हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेटिंग ज्ञान में। आज हम आपको बताएंगे आप अपने पर्सनल डाटा को लाइफ लॉन्ग के लिए कैसे सेव रख सकते हैं। मतलब कि आपको पता है, जैसे आप पीसी में डाल दिया है, या फिर आपने यूएसबी में, पिन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में, या फिर जो सबसे कॉमनली आजकल यूज होता है गूगल ड्राइव में, उसमें डाल लिया। और फिर किसी अनएक्टिविटी की वजह से, चलिए गूगल ड्राइव का समझ में आता है, वो अनएक्टिविटी नहीं होती, लेकिन और सब में चीज़ में हार्ड डिस्क वार्ड डिस्क खराब हो गया तो काफ़ी दिक्कत दे देता है। हार्ड डिस्क खराब हो गया पीसी का, भगवान ना करे खराब हो जाए, लेकिन हो जाता है, खराब हो जाता है, तो किसी न किसी वजह से खराब हो जाता है। तो उसकी वजह से आप अपने बहुत सारे पर्सनल डाटा में लॉस कर देते हैं। तो इसका आज हम एक बहुत ही सिंपल सा तरीका लाए हैं, आपके सामने रोज पड़ता है लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया। तो इसका आज हम पूरा डिटेल बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स का मिल सके। तो आइए देखते हैं। तो जो सबसे इसका सलूशन है वो है क्लाउड स्टोरेज। इसके बारे में आपने सुना होगा कि बादल में स्टोरेज, बादल स्टोरेज नहीं होता, लेकिन एक तरह से स्टोरेज इंटरनेट में अपना डाटा स्टोर करने का होता है। तो क्लाउड स्टोरेज इसलिए होता है, जैसे अपने पर्सनल डाटा कभी लॉस हो गया तो वहाँ से आप वापस डाउन करके अपना रिकवरी कर सकें। तो इन सबका इतना इतना नहीं है, हर कोई दे रहा है, लेकिन कब कितना ट्रस्टेबल है इसका कोई जिम्मेदार कोई नहीं है। कब कहाँ के डाटा कैसे लीक हो जाता है, किसी को हवा तक नहीं लगती। और गूगल ड्राइव जिसका यूज़ कर रहे हैं, 15 GB, अब 15 GB देते हैं, इसके बाद नहीं देते, फिर आपको दूसरी आईडी बनानी पड़ती है। और कुछ होशियार लोग होते हैं, 15-20 आईडी बना लेंगे, लेकिन मेरे पास इतनी GB हो गई है। तो अब बात आ जाती है कि इतनी GB आपने, चलिए इतनी आईडी बना लिया है, अब आप सबका पासवर्ड याद कैसे रखेंगे? कहेंगे कॉमन कर देंगे। कॉमन नहीं किया जाता, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, मत किया कीजिए, सब काम कॉमन नहीं करते। तो इसका एक सिंपल तरीका बताते हैं, हम स्पेशली केवल वीडियो के बारे में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा जगह लेती हैं, फोटो चलो काम चल जाता है, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो है काफ़ी, एक ही दो दो GB का हो जाता है, तो काफ़ी स्पेस ले लेता है। तो इसके लिए जो सोल्यूशन है वो आपके हाथ में है, मतलब कि आपके सामने खुला हुआ है यूट्यूब। यूट्यूब में आप जितनी आपकी इंपॉर्टेंस वीडियो है उसको आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं, भाई अपलोड कैसे कर दें, पब्लिक हो जाएगा, पब्लिक ना करो उसको, तुम प्राइवेट कर दो, इसमें तुम स्टोर करके रख दो। इसमें यह है कि लाइफ लॉन्ग पड़ा रहेगा, कोई डिलीट करने वाला नहीं है, ना ही इसमें लीक होता है, जब तक आप पब्लिक नहीं कर देते। तो सब प्राइवेट रखिए और पड़े रहने दीजिए, इसमें कोई स्पेस की लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। तो इसका आप प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा यूज उठा सकते हैं, और फिर अपने डाटे हमेशा के लिए स्टोर रहेगा। आज बहुत लोग ऐसे यूज भी कर रहे होंगे। तो कैसे बनाना है यूट्यूब चैनल, ये हमने इस वीडियो से पहले वीडियो में आप जाकर देखेंगे, बहुत सिंपल तरीका बताया है। कुछ नहीं करना है, सिंपल क्लिक में 1 मिनट में आपका चैनल क्रिएट हो जाएगा। मोबाइल सामने है तो मोबाइल से बना लीजिए, पीसी सामने पीसी से बना लीजिए, तो आपका चैनल बन जाएगा। आपको बस वहीं से अपलोड करना है, मोबाइल से अपलोड करना है मोबाइल से कर लीजिए, पीसी से अपलोड करना है पीसी से अपलोड करिए। अनलिमिटेड स्टोरेज है, कोई इसमें लिमिट नहीं है, कर दे जाइए कितने घंटे की, 10 घंटे, 5 घंटे, 12 घंटे, कर दीजिए, हो गया अपलोड। बस नेट स्पीड चाहिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। और जब भी आपको जरूरत पड़े कि हमें देखना है तो देख सकते हैं, आपके पास सफिशियंट डाटा है, और जब भी आपको देखना हो देख लीजिए, किसी को शेयर करना हो शेयर कर दीजिए, प्राइवेट चीज़ें शेयर हो जाती हैं, तो प्राइवेट चीज़ें आप देख सकते हैं, मतलब दिखा भी सकते हैं। तो इस तरह अब पब्लिक कोई देखेगा नहीं, आपका डाटा आपके पास अपना सेव रहेगा। तो इस तरह अपने डाटा को हमेशा के लिए, लाइफ लॉन्ग के लिए सेव कर सकते हैं, फ्री में, बिना किसी रुपए दिए हुए। जैसे एक बेसिक एग्जाम्पल ले लें कि गूगल ड्राइव, वो आपसे पैसे लेता है कि इतने स्टोरेज बाद पर मंथ पर ईयर इतने रुपए लेंगे। तो उससे बचने का सिंपल तरीका, इन्होंने खुद ही देर, मतलब नज़र नहीं पड़ती, ये सामने ही पड़ा है, तो यहाँ पर अपना स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस तरह आप अपने डाटा को सेव कर सकते हैं, फ्री में, अनलिमिटेड, बिना किसी पैसे दिए और सेफली। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो कमेंट कीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू।